अगर सारा को कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे सारा खुद अट्रैक्ट होती है, तो उस शख्स में क्या क्या क्वालिटीज होंगी तो तुम अट्रैक्ट होगी? तुम्हें क्या लगता है कि आप तो ये बात तो ऐसे प्यार हो सकता है ना, हो सकता है ऐसे ऐसे प्यार हो सकता है? ऐसे हुआ था ना जब लाइफ में एक बार हुआ है, कभी एक बार हुआ हाँ, फिर मेरी जिंदगी में वो मौका आया ना। क्या शेर है कि एक शेर है ना कि मेरी तलब था एक शख्स, अर्ज किया है मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। हाय क्या थी तुम्हारी एज, बहुत यंग टीनेज थी, क्या थी जब? अभी अभी रिसेंटली उसकी शादी हो रही थी और द पर्सन इज गेटिंग मैरिड और सम चीजें, तो थोड़ी सी मुझे इफेक्ट कर गई। हाँ, और मैंने जब अब जाके रियलाइज किया, तुम्हें था कि तुमने शादी करनी है जिससे तुमने मोहब्बत? नहीं नहीं, मैं नहीं थी श्योर खुद भी नहीं शादी कर रही तो उसकी भी तो हो रही है तो दुखी हो गई। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट दैट। Sometimes it's not about marriage always. सारा उसमें ऐसा क्या था जो तुम उससे अट्रैक्ट हुई, उसकी पर्सनालिटी में क्या था ऐसा? बस कुछ बात मुझे पसंद आ गई थी, कोई एक उसकी जेन्युइननेस, कोई एक ऐसी चीज, सिंपलिसिटी, हां समथिंग ही टॉक्ड अबाउट, एंड समथिंग आई थिंक मेंटली मुझे लगा कि शायद हमारी अटैचमेंट शोबिज में, शोबिज से बाहर अभी छोड़ दो उन बातों को, ऐसे वैसे कुरेद रही हूं शोबिज में, शोबिज में लेट्स सी, हां बाद में गेस करती रहना। अच्छा अब यार मेरा दिमाग अटक गया पूरा दिन, तो आप भी गिनती रहेंगी किससे किस किस के साथ काम किया है इसने? अच्छा मैं, नहीं नहीं हमने कभी काम नहीं किया, काम नहीं किया, कैमरे के पीछे कैमरे के आगे कसौटी चल रही है। अगला एपिसोड आप देखेंगे कसौटी, कैमरे के पीछे भी कैमरे के सामने भी। अरे बाप रे, ये कौन है? अल्लाह रहम करे, ये कौन है? तो शादीशुदा या गैर शादीशुदा? कितने बच्चे? नाम का फर्स्ट अल्फाबेट, उसकी वाइफ का फर्स्ट अल्फाबेट। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। ओह माय गॉड, उफ दैट वाज अ फनी स्टोरी। ओह अच्छा, वो भी होता है ना शायद, हम क्योंकि टीवी और ये करते जाते हैं ना, तो एक मिथ मुझे लगता है, थोड़ा ड्रीम में भी हम चले जाते हैं ना। हाँ। एक ड्रीमी लव स्टोरी होनी चाहिए। हाँ। लाइफ इज नॉट अबाउट ड्रीम, नॉट एट ऑल। तो यही मैंने सीखा जब मैंने कहा ना 2013 और 16 के बीच में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरा। हाँ। खुद का होता है ना, सडनली बड़ी हो गई ना। हाँ। एकदम हंसते हंसते ना, पैसे हंस रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हंस रहे हैं, सडनली यार अब लिटो हो, लाइफ इज नॉट फन। जैसे तुम्हें किसी से हो जाए मोहब्बत, तो तुम उसके लिए पूरी दुनिया जहान छोड़ सकती हो, और वो छोड़े मैं क्यों छोड़ूं? ओए होए, ओए होए, he needs to leave. Does he know what he's getting? Please give me a break. He needs to leave. मतलब मोहब्बत तुम्हें हुई है और वो छोड़े पूरी दुनिया, वो इस काबिल है कि मुझे उससे मोहब्बत हुई, वरना मुझे तो मोहब्बत नहीं हो कहीं कोई उसमें इतनी एक्स्ट्रा बात होगी जो बाकी लोगों में नहीं है। माय फीलिंग्स आर नॉट लाइक फॉर एवरीबॉडी, इट्स नॉट, आई एम वेरी बैड इन दिस, मैं बड़ी क्रूअल हूँ इस बात में ना, मेरी मोहब्बत और मेरी स्माइल और मेरे इमोशंस किसी ऐसे चलते फिरते ऐसे नहीं है ही नहीं। उससे बेटर मैं नहीं, मैं आई कैन इमोट माई सेल्फ विद, मैं टीवी देख लूंगी, मैं फिल्म देख लूंगी, मैं ठीक हूँ, मैं टीवी और फिल्म देख लूंगी, मैं मियां नहीं देख सकती, मैं खराब नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।